نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इस कायनात में अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इसके अलावा हर चीज़ ने, हर शख्स ने, हर उरूज ने फना हो जाना है। अल्लाह कमुल हाकिमीन का सूरह अर्रहमान में फरमान है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ फना हो जाएगी, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और सिर्फ आपके रब का चेहरा जुलजलाली वाल इकराम का वो बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो सबसे अजीम नेमत अता की है, जिसका हम शुक्र अदा अपने आमाल अफ़ाल से कभी नहीं कर सकते, वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, कि अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन नहीं सकते, और उनमें सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम अता किया। अल्लाह का सच्चा दीन, सारे नबियों पर आने वाली सच्ची हिदायत, और पैगंबर आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला सच्चा दीन, जो कि क़यामत तक के लिए हिदायत भी है, रहनुमाई भी है, निज़ाम भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस्लाम की नेमत से हमें हमकिनार किया, तो उसके बाद सबसे बड़ा हमारी नीयत का अमल दखल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार वो बंदे की नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल इम्रिइन मानवा, जो बंदा जो नीयत करेगा उसे वही मिलेगा। फमन खानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत की, उनके लिए हिजरत की, तो उसे अल्लाह उसके रसूल मिलेंगे। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया, और जिसे दुनिया के लिए हिजरत करने का मौका मिला तो उसे सिर्फ दुनिया ही मिलेगी। सबसे
बेहतरीन शख्स वो है जिसका आमाल पर खात्मा हो गया, जिसका नेकी पर खात्मा हो गया, जिसको अल्लाह ताला ने अपने आखिरी सांस तक तौहीद इस्लाम की समझ अता किए रखी। क्योंकि अमाल करने वाले तो बहुत सारे दुनिया में हमने देखे, हम भी दुनिया में मौजूद हैं, अमाल भी किए, अफाल भी किए, नेकियां भी की, खैर का काम भी किया, लेकिन आखिरी जिंदगी में आकर ऐसी ठोकर खाते हैं कि जहन्नुम का वबाल ईंधन बन जाते हैं। और सही बुखारी में भी एक हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लोगों की नजर में नेकी का काम करता है और वो नेकी का काम करता चला जाता है हत्ता के मरने से पहले वो ऐसी गलती करता है कि जहन्नुम में चला जाता है। असल में मुनाफिक था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करता था। और एक शख्स जो था ईमान वाला और जाहिरन वो आमाल पर इतना पुख्ता नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला मौत से कबल ही उसे हिदायत अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। नेक और बद दोनों किस्म के लोग जब अल्लाह के पास जाएंगे तो वो ख्वाहिश करेंगे कि या अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज। ये बड़ी समझने वाली बात है। नेक बंदा भी और बदकार भी, बेईमान भी, दोनों ख्वाहिश करेंगे कि या अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज, लेकिन दोनों की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फरमाया हर एक ने मौत का जायका चखना है। मर गया, आखिरत की तरफ सुधार गया, तो जो लोग मरेंगे और अल्लाह के पास जाएंगे और जो बद आमाल होंगे, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, जब इनके पास मौत आती है तो क्या कहते हैं, काल रब्बिरजिउन, या अल्लाह हमें वापस भेज। काल रब्बिरजिउन, या अल्लाह हमें वापस भेज, लअल्ली अअमलु सालिहन, अब हम जाके नेकी करेंगे, अब नहीं गलती होगी। अजाब देखकर, जहन्नुम देखकर, सख्तियां देखकर कहेगा लअल्ली अअमलु सालिहन, या अल्लाह अब हो नहीं सकता कि मैं कोई बुराई करूं, रब्बिरजिउन, या अल्लाह मुझे वापस भेज। अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा फीमा तरक्तुकल्ला, अब तुम वापस नहीं जा सकते। इन्नहा कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का हुक्म है जो जारी हो चुका। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब तुम बरज़ख में रहोगे जब तक कि कयामत नहीं आ जाती, वापस नहीं जा सकते तुम। नेक भी कहेगा। हजरत जाबिर कहते हैं रजी अल्लाह अनु, सुनन तिर्मिजी के अंदर हदीस है कि मेरे वालिद जब उहद में शहीद हुए तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, बड़ा परेशान था। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद के साथ अल्लाह ने कैसा मामला किया? तो आपने फरमाया, ऐ जाबिर, तेरे वालिद अब्दुल्ला के साथ अल्लाह ने बड़ा ही जबरदस्त मामला किया। अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर तेरे बाप से मुलाकात की और अल्लाह ताला ने जन्नत की सारी नेमतें अता की। फिर तेरे वालिद से पूछा कि बताओ कुछ और चाहिए? तो आपके वालिद ने कहा, या अल्लाह, क्या यह मुमकिन है कि मैं दोबारा दुनिया में जाऊं और तेरी राह में शहीद होकर आऊं? अमल था ना, उन्हें यह पता चला था कि इतना बड़ा अमल और उसकी जजा कितनी बड़ी है। नेक भी ख्वाहिश करेगा और बद ने तो कहना ही है, लअल्ली अअमलु सालिहन, या अल्लाह हमें दुनिया में भेज, अब नहीं मैं गलती करता। लेकिन वहां कहा जाएगा कि तुझ पर नबी भेजे गए, कुरान आया, दीन आया, तूने नहीं माना, सब कुछ तुझ पर बयान किया जाता था, तूने अमल करना चाहा ही नहीं। और मेरे भाइयों बहनों, हर एक ने मौत का जायका चखना है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे मौत से मफर हो, कि वो ये लिखवा के लाया हो कि मैंने बच जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। वह इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो दुनिया में तू बोएगा वही काटेगा, जो दुनिया में तू बोएगा वही काटेगा, जो दुनिया में अमल करेगा उसी की तुझे जजा मिलनी है। मुनाफिकत, दो नंबरी, धोखा, फ्रॉड, जुल्म, जबर, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह क्या चाहता है? आमाल सुन्नत के मुताबिक, चाहे थोड़े क्यों ना हो इखलास वाले।
हों इखलास वाले। और फिर अल्लाह ने कामयाबी का मायार बयान किया, फरमाया तुम्हारे नजदीक कामयाबियां बहुत सारी होंगी पर मेरे नजदीक कामयाबी क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकद फाज, वो कामयाब है। अल्लाह के नजदीक कामयाबी का मायार यह है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, खातिमा बिल ईमान में सबसे बड़ी रुकावट रियाकारी है। रियाकारी तो बंदे का बेड़ा गरक कर देती है, आमाल का बेड़ा गरक, अफाल का बेड़ा गरक, मैं, मेरी, मैं, ये इंसान की तबाही का सबब बन जाती है। दमिश्क की जामिया मस्जिद में एक बूढ़े शख्स बैठे थे, बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी, और लोगों का जम्मे गफीर उनके पास था। तिर्मिजी के अंदर और सही मुस्लिम में इसका असल है, जम्मे गफीर। एक ताबई बयान करते हैं, कहते हैं मैं गया, मैंने कहा देखूं तो सही कौन है। जब मैं करीब गया तो मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा हैं रजी अल्लाह अन्हु, आखिरी उम्र। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 साल अल्लाह के नबी के साथ आपकी आखिरी जिंदगी का वक्त गुजारा, और फिर ये तकरीबन 60 हिजरी से आगे तक जिंदा रहे, फितनों के अदवार, फितनों के अय्याम। इसीलिए 5000 से जायद अहादीस को रिवायत किया, क्योंकि ये अल्लाह के नबी से सीख चुके थे, सुन चुके थे, जो जो फितने आते तो हजरत अबू हुरैरा उनकी सरकूबी करते। बुजुर्ग बैठे हैं, लोगों का जम्मे गफीर है, और ये वो दौर था जब सहाबी चंद रह गए थे, चंद सहाबा, दमिश्क में कोई एक दो, दिगर इलाकों फैले थे। तो मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो बंदे कहते हैं मैं बैठ गया, तिर्मिज़ी के अंदर ही है। तो लोगों ने, एक बंदे ने सवाल किया कि हमें आप अल्लाह के नबी की कोई हदीस सुनाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं लो सुनो, मैं आज तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाता हूं जो मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। मेरे भाइयों, गश आया, बेहोश हो गए। 3 बार यह मामला हुआ, फिर फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की वो हदीस सुनाता हूं जो मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुनी है। 3 बार जब ऐसा हुआ, लोगों ने उठाया बिठाया, बुजुर्ग थे, 4थी बार कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी चर्बी के साथ जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको जहन्नुम के लिए ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के सामने शहीद को लाया जाएगा। अच्छा, शहादत से कोई बड़ा रुतबा है जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे? अल्लाह पूछेगा बता क्या करके आया। आगे ये सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, वो कहेगा या अल्लाह मेरी जान थी तेरी राह में कुर्बान की, मेरा खून था, जान थी, जिंदगी तेरी राह में कुर्बान करके आया। अल्लाह सुबहानहु व तआला का फरमान होगा कज़बता, तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए जिहाद किया कि लोग कहें फुलां कबीले का बंदा तो बड़ा बहादुर है, बस दुनिया में तेरी वाह वाह हो गई, दुनिया में तेरे चर्चे हो गए, दुनिया में तेरे खानदान बरादरी की बहादुरी का बड़ा निजाम हो गया, लेकिन यहां मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाएगा इसे ऊंधे मुंह जहन्नुम में गिरा दो। दूसरे नंबर पर एक शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा बता क्या करके आया, कहेगा या अल्लाह मैं आलिम था, खतीब आजम, खतीबे पाकिस्तान, फुलां फुलां, आपने इश्तिहार पढ़े हैं ना, 100-100 अलकाबात होते हैं, बड़ी, या अल्लाह सारी जिंदगी तबलीग की, दावत की, लोगों को समझाया बताया। अल्लाह कहता ठीक है तूने ये किया, पर ये तूने मेरे लिए नहीं किया था, कज़बता, तू झूठ बोलता है, ये तो तूने इसलिए किया था कि तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी गुड्डी चढ़े,
तेरे इश्तिहार छपें, तुझे अलकाबात मिलें। मेरी रिजा तो तुझे मतलूब ही नहीं थी, दुनिया का माल, दुनिया की अयाशियां, ये तुझे मतलूब थी, वो तुझे मिल गई। पिछले दिनों एक मौलवी का वाकया, किसी बेचारे गरीब बंदे ने दरसे कुरान रख लिया, उसने बड़ी मुश्किल से कोई 15-20 हजार रुपए इकट्ठे किए होंगे कि चलो कोई मामला हो जाए, और वो मौलवी आगे से कहता है मेरे पास जो गाड़ी है उसका तो पता नहीं डीजल इतने का लगता है, जा मैं नहीं आ सकता। अगर ये हालत है तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों हम क्या कह सकते हैं। फिर नबी देखें कितने हजारों अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उनके बारे में मेरे रब ने एक बात की है, ओ लोगों मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, मैं तुमसे जजा नहीं मांगता, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम एक अल्लाह की इबादत पर जमा हो जाओ। और जब तक यह इखलास रहा है उस वक्त तक दीन की दावत फैलती रही है। जब यह इखलास खत्म हुआ, जब जात धोखे और ये चीजें सामने आ गईं, तो फिर मेरे भाइयों सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर लाया जाएगा सखी को और उससे पूछा जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा आतमताई था, सारा माल तेरी राह में खर्च किया, हजारों लाखों करोड़ों फुलां फुलां सब कुछ मैंने काम किया। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तू भी झूठ बोलता है, तूने इसलिए यह सारा किया कि तेरे नाम लिखे जाएं, तेरी बरादरी का नाम ऊंचा हो, तेरे नाम के साथ मस्जिदें वगैरह वगैरह चीजें मंसूब हों, लोग कहेंगे फुलां चौधरी साहब, हाजी साहब, फुलां साहब ने इतना माल खर्च किया, वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहां कुछ नहीं है तेरे लिए, उसे भी जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खातिमे पर है, अमाल का दारोमदार खातिमे पर है। और मेरे भाइयों बहनों एक बात याद रख लें, जो बंदा जिन आमाल के साथ दुनिया में मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसी पर उसको मौत देता है, ये उसूल है। आप तजर्बा करके देख लें, जिन आमाल और अफआल के साथ आपकी मोहब्बत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं पर आपको मौत दे देगा। इखलास होना चाहिए और फरमाया तमाम आमाल का दारोमदार हुस्ने खातिमा पर है कि तू मौत तक वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि तू मौत तक अल्लाह की इबादत करता रहे। अब मेरे भाइयों इमाम ज़हबी की एक किताब है उसका नाम है सीयरु आलाम नोबाला, उसमें उन्होंने ना मुहद्दिसीन बड़े बड़े उलमा उनके मौत और जिंदगी के वाकयात लिखे हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल इमाम अहलुस सुन्ना 10 लाख हदीस के रावी, इमाम बुखारी इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, और मेरे भाइयों ऐसी शख्सियत अल्लाह उन पर रहम फरमाए कि जिन्होंने फितनाए खल्कुल कुरान का खात्मा कर दिया। बनु अब्बास के 3 खुलाफा के दौर में इमाम अहमद इब्ने हंबल चट्टान बनकर खड़े रहे लेकिन कुरान और सुन्नत पर कंप्रोमाइज नहीं किया, ऐसी शख्सियत। तो वो उनके शागिर्द बयान करते हैं इमाम अहमद एक बार बड़े शदीद बीमार हो गए, इतना बुखार कि वो बुखार दिमाग को चढ़ गया, और हो जाता है आजकल भी ऐसे हो जाता है, और बंदा फिर बेख्वाबी के अंदर मुख्तलिफ बातें करता है। कहते हैं इमाम अहमद इब्ने हंबल शदीद बुखार है बेख्वाबी के अंदर, हम उनका इलाज कर रहे हैं, हुकमा अतिबा सारा वो मामला चल रहा है, अचानक इमाम अहमद इब्ने हंबल की जुबान से अल्फाज निकलना शुरू हो गए, ला ला नहीं ला, बार बार मेरे भाइयों इमाम अहमद की जुबान से अल्फाज निकलते हैं। कहते हैं हमें लगा कि शायद इमाम अहमद इब्ने हंबल इस बीमारी में जानबर ना हो सकें, लेकिन अल्लाह का करना था, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, इमाम अहमद इब्ने हंबल रूबा सेहत हो गए। जब आप सही हुए तो हम शागिर्दों ने उनसे पूछा कि यह शेख आपने उस बीमारी के आलम में ये जो ला ला बार बार नहीं 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 ये सर झटक कर कहा था ये क्या था। इमाम अहमद कहते हैं मेरे पास इबलीस शैतान आया था उस बेख्वाबी के आलम में, और मुझे पता तब चला
कि वो शैतान है कि उसने मुझे आकर कहा ऐ अहमद इब्ने हंबल तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, तेरे देखो इतनी हदीसें हैं, इतने आमाल हैं, तूने जनाब बनू अब्बास के खुलाफा के मुकाबले में खल्के कुरान में खड़े रहे, जेल काटी, कोड़े खाए, हदीसें जमा की, बुखारी तेरा शागिर्द, अबू दाऊद तेरा शागिर्द, बड़े बड़े तुम्हारे शागिर्द हैं, आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहा, मैंने कहा ला नहीं, मैं भी जन्नत में तब जाऊंगा जब मेरा रब मेरे आमाल को कबूल करेगा और मेरा खातिमा बिल ईमान होगा। तू मुझे रियाकारी में मारना चाहता है, तू मेरे आमाल को बड़ा करके पेश करना चाहता है मेरे सामने। मेरे भाइयों, हम सब जो यहां खड़े हैं या आज के सारे उलामा फुकहा भी ले लें, इमाम अहमद इब्ने हंबल के आमाल, इमाम अहमद इब्ने हंबल के आमाल, अगर वो ये समझते हैं कि ये मुझे जन्नत में नहीं ले जा सकते तो हम कौन है? ऐसा तकवा, आमाल की हिफाजत। फरमाया, मुझे भी मालूम नहीं कि मेरा क्या बनेगा सिवाय अल्लाह की रहमत के, कि वो अपनी रहमत के साथ मेरी इन नेकियों को कबूल कर ले और मुझे खातिमा बिल ईमान अता फरमाए। इसी तरह हाफिजा भी लिखते हैं, कहते हैं इमाम अबू जुरआ राजी, ये इमाम अबू जुरआ राजी 1,00,000 हदीस के हाफिज थे और इमाम बुखारी के हम असर हैं, एक ही दौर में हुए, बहुत जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं। कहते हैं जब इनकी वफात का वक्त आया तो ये बहुत दिनों से बीमारी के आलम में कोमे में चले गए और आराम नहीं आ रहा था। वहां डॉक्टर जातिब्बा ने कहा कि ये जानवर नहीं हो सकेंगे, इनका मामला खत्म है। तो मेरे भाई उनके शागिर्दों ने कहा कि चलें, इमाम साहब ने सारी जिंदगी हमें पढ़ाया, 1,00,000 हदीस के हाफिज हैं, पूरी दुनिया का दौरा किया, बहुत जलील कदर मुहद्दिस हैं। तो वो उनके पास खड़े हो गए, अब उनको सारी जिंदगी मोहब्बत थी हदीस के साथ, हदीस नबवी, अल्लाह की नबी की हदीस को रिवायात करना, उनके लिए मेहनत करना, हिफज करना, लोगों को पढ़ाना सिखाना। मेरे भाइयों, शागिर्दों ने कहा यार बात यह है कि हम इमाम साहब के पास बैठकर अल्लाह के नबी की अहादीस पढ़ते हैं, हो सकता है इमाम साहब बोल पड़े, को अल्लाह ताला शिफा का मामला कर दे। तो क्या हुआ, उन्होंने अहादीस की रिवायात संदे पढ़ना शुरू कर दी। इमाम अबू जुरआ राजी रहिमहुल्लाह अपनी मौत से चंद सेकंड कबल हदीस की सनद पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही हदीस है, बुखारी में भी है, दीगर किताबों में भी है, इमाम अबू जुरआ ने भी अपनी किताब में लिखी, हदीस की सनद पढ़ते हैं और कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखल अल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। यह हदीस रिवायत की और फौत हो गई, आखिरी जुमला उनकी जुबान से यह हदीस निकली। सारी जिंदगी हदीस से मोहब्बत की, अल्लाह ने हदीस के ऊपर मौत अता कर दी, अल्लाह ने हदीस पर मौत अता। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़े शेख हैं अब्दुल्ला नासर रहमानी साहब हाफिज़ाउल्लाह, वो बयान करते हैं, कराची के आलिम हैं, वो कहते हैं मेरी मस्जिद में एक बुजुर्ग, सारी जिंदगी मैंने उनको देखा कि वो फजर की नमाज पढ़ के कभी घर नहीं गए, फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में बैठे, अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीहात की, कुरान की तिलावत की, बैठे रहे, सूरज तुलू हुआ, सूरज तुलू होने के बाद 2 या 4 रखते इशराक अदा की, फिर वो अपने घर जाते थे, ये एक उनका उनकी रूटीन थी, उन्हें मोहब्बत थी इस नमाज के साथ। और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया ना, तिर्मिज़ी में हदीस है, फरमाया जो बंदा फजर की नमाज मस्जिद में अदा करे, फिर बैठा रहे, सूरज निकल आए, सूरज निकलने के कुछ देर के बाद 2 या 4 रखते इशराक की पड़े, अल्लाह सुबहानहु व तआला उसे 1 हज और उम्रे का सवाब देगा। तो कहते हैं कि शेख साहब कहते हैं, कहते हैं मैं अपनी रूटीन से, हमने नमाज पढ़ी, दर्स वगैरह दिया, मैं चला गया, बुजुर्ग अपनी रूटीन से बैठे होंगे, कहते हैं कोई 8 बजे 8:30 बजे का टाइम था, मेरे घर का दरवाजा खटखटाया किसी ने, अचानक देखा तो उन बुजुर्गों का बेटा था, कुछ लोग थे उसके साथ, उसने कहा शेख साहब अब्बा जान आज घर नहीं आए, हम गए मस्जिद में तो देखा इशराक की नमाज सजदे की हालत में फौत हुए पड़े, इशराक की नमाज सजदे की हालत में
उसी तरह फौत हुए पड़े हैं। मेरे रब ने किस अमल पर मौत दी जिस पर सारी जिंदगी मेहनत की थी। तो मेरे भाइयों, अपने अमाल को हमने दुरुस्त करना है। हमारे एक उस्ताद थे शेख अब्दुल हादी, ये हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान के थे, हम इनके पास तफसीर पढ़ा करते थे इंग्लैंड में। एक दफा वो खुद अपने खुतबा में बयान करते हैं, कहते हैं हम मोटरवे पर जा रहे थे, बरतानिया का मोटरवे, एक्सीडेंट हुआ बड़ा शदीद, और उस एक्सीडेंट में एक गाड़ी ऐसी थी कि जिसमें कोई मुसलमान फैमिली मौजूद थी, और वो मुस्लिम फैमिली का जो ड्राइवर था वो उनका नौजवान बेटा था। कहते हैं हम भी मोटरवे से पीछे रुके, हमने देखा ये मुसलमान है, हम उस बच्चे के पास गए, वो बाहर जख्मी, शदीद जख्मी हालत में पड़ा है, उसकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक चल रहा था, गाड़ी के परखचे उड़ गए लेकिन वो बैटरी अभी तक जिंदा है और वो म्यूजिक चल रहा है, और उस बच्चे की जुबान पर भी वही अल्फाज हैं जो वो सुन रहा था। कहते हमारे सामने उसकी जान निकली, हम कलमे की तलकीन जो कोई बंदा कर सकता है करते रहे, लेकिन वो बच्चा उसकी जुबान से, वो लड़का नौजवान वही निकलता रहा जो चल रहा था, हत्ता के वो मर गया। खातिमा बिल ईमान। इसलिए ये मत सोचो कि कल कर लेंगे, परसों से नमाज शुरू करेंगे, अभी वक्त आएगा अजकार कर लेंगे, अभी कौन सा उम्र है, दाढ़ी रख लेंगे, बूढ़े होकर नेकी कर लेंगे बड़े होकर। ना, कोई पता नहीं आपकी उम्र का। आज जवानों को हार्ट अटैक होते हैं, जवानी में बंदे फारे फौत हो जाते हैं, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, फरमाया जब तू कोई नमाज अदा करे तो यह तेरी आखिरी नमाज होनी चाहिए, इस अंदाज से पढ़, तुझे यह पता हो कि इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलना, यह मेरी लास्ट नमाज है। जब यह अंदाज तू इख्तियार करेगा तो मेरे भाइयों यही अच्छा। देखे ना, हमारे यहां गाड़ियों के अंदर सफर के दौरान लोग मूवियां, गाने, बेहयाई, म्यूजिक सुनते हैं, तुम्हें क्या पता है कि इसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और यह तेरी जिंदगी का आखिरी सफर हो। कुरान की तिलावत लगाएं, कोई अच्छी नजम लगा लें, अगर कुछ नहीं लगाना तो खामोशी के साथ चले जाएं, यह बेहतर है उससे। दुआ पढ़ के सफर, दुआ पढ़ के नींद, सुन्नत के मुताबिक सोना, अपने दिल को साफ करके अपने भाइयों के बारे में, बिल्कुल यह खात्मा बिल ईमान है। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के अंदर हदीस है, एक सहाबी, साहबा कहते हैं हम मजलिस में मौजूद हैं, उन्होंने ताजा ताजा वजू किया, उनकी दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा की मजलिस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा उस बंदे को आते हुए, फरमाया लोगों जिसने जन्नती देखना है इस बंदे को देख लो, जिसने जन्नती को देखना है इसको देखो। वो आए, आकर बैठे, आम सी शख्सियत थे, आम साहबी थे, कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन मेरे भाइयों एक साहबी कहते हैं मेरे दिल में यह पैदा हुआ कि मैं पता करूं कि मेरे इस भाई के कौन से आमाल हैं जिन आमाल की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत दी है। मेरे भाइयों वो उसके घर चले गए, जाके दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हुए, कहा जी मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा अहलन वसहलन, आइए, मुसलमान का हक होता है कि तीन दिन वो आपका मेहमान बन सकता है, अहलन वसहलन आए। उनके लिए बिस्तर लगाया गया, वो रात को रहे, तहज्जुद के लिए उठे, जो एक आम रूटीन थी। सुबह के वक्त पूछते हैं, कहते हैं मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है जो हमारे अंदर नहीं है, कि मैंने सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कि वो आपको जन्नती करार दे रहे थे। वो साहबी आगे से कहते हैं मुझे नहीं पता, ना ही मेरा कोई ऐसा अमल है कि जो आप लोगों में ना हो, देख लीजिए आपने मेरी रूटीन, मेरी यही रूटीन है, लेकिन एक काम मैं जरूर करता हूं, एक काम मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा, मैं रात के वक्त जब बिस्तर पर लेटता हूं तो मैं अपने सीने को अपने हर मुसलमान भाई के लिए साफ करके सोता हूं, कीना, बोझ और हसद दिल से निकाल देता हूं। इससे वो मुराद नहीं है जिनके साथ अल्लाह की रजा के लिए दुश्मनी हो, इससे वो मुराद है जिनके साथ दुनिया की बुनियाद पर, जाति बुनियादों के ऊपर नफरतें, बुग्ज रिश्तेदारियों में, दोस्तों में हमने पाल रखा है। फरमाया मैं अपना सीना साफ करके सोता हूं, शायद यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुझे जन्नती करार दिया।
तो हमें अपने सीनों को साफ करना है, अपने भाइयों के बारे में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां, कोताहियां जिनमें कोई दीन का अमल दखल नहीं है या अल्लाह की रजा के लिए वो मोहब्बत और नफरत का मामला नहीं है, तो उसमें हमें अपने सीनों को साफ रखना है। छोटी मोटी गलतियां कोताहियां हमसायों में रिश्तेदारों में इन्हें मुआफ करें, अपना सीना साफ करें, और हो सके तो अपने भाई से इजहार भी करें, भाई मेरा सीना तुम्हारे लिए साफ है। बहुत बड़ा अमल है। और अल्लाह ताला फिर अगर मौत भी आ जाए तो आपको मौत खैर पर अता करेगा। और देख लें दो दिन ऐसे हैं हफ्ते में, सोमवार और जुमेरात। फरमाया इन दो दिनों में तुम्हारे अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। अल्लाह कहता है हर उस बंदे का अमल रोक लो जो अपने भाई के साथ नाराज है, जब तक वो राजी ना हो जाए। सारे अमाल मुनकता, तरावी, नमाजें, रोजे, जकातें, सब कुछ मुनकता हो जाता है। क्या लेके जाना है? तो आपस में अच्छा मुआशरा, मोहब्बतें, रिश्तेदारियों को जोड़ना, कतार रहमी से बचना, हमसायों के साथ अच्छे सलूक, भाइयों दोस्तों के साथ अच्छा सलूक, ये मेरे भाइयों इस रमजान में खातिमा बिल ईमान पर आपको बहुत फायदा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई बता रहे थे कि हम खुतबे के दौरान मस्जिद के लिए कलेक्शन करते हैं, तो देखें जी अल्लाह के घर जो चल रहे हैं ये कोई सऊदीया वगैरह तो है नहीं कि यहां हुकूमतें दें, सारा कुछ हम सब लोगों ने खुद करना होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला आपको और हमें कबूल करता है कि हम अल्लाह के घर को आबाद करने में मददगार और मुआविन हैं। तो इंशाल्लाह भाइयों के साथ तआवुन करें ताकि कुरान और सुन्नत का ये काम, मसाजिद का ये निज़ाम चलता रहे। व आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही व मन वाला, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बहनों, ये रमज़ान का आखिरी अशरा बिल्कुल करीब है और अभी चंद दिन तक लोग मसाजिद के अंदर एतकाफ करेंगे। इस हवाले से दो तीन गुजारिशात आपके सामने रखनी हैं। जो लोग एतकाफ करना चाहते हैं, मर्द हो या औरतें हों, उनके लिए मस्जिद ही जगह है एतकाफ करने के लिए। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। अल्लाह ताला ने एतकाफ के लिए मस्जिद को ही जगह करार दिया। और जो लोग एतकाफ बैठना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 20वां रोजा अफ्तारी करके मस्जिद में आ जाए और फिर 21वीं रात मस्जिद में गुजारें और 21वें रोजे की सहरी मस्जिद में करके नमाज फजर के बाद वो अपने मोतकिफ यानी उस खैमे में दाखिल हो जाएं। एतकाफ दुनिया से कटने का नाम है। और अगर कोई बंदा एतकाफ के अंदर भी अपना मोबाइल, अपना इंटरनेट, अपने मुआमलात उनसे कटता नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि वो ना बैठे, क्योंकि उसने इसका हक ही अदा नहीं किया।
अगर एतकाफ करना है तो इससे मुराद है कि वो 9 दिन या 10 दिन का जो वक्त है वो दुनिया से बीवी बच्चे मुआमलात कारोबार सबसे कट कर खालिसतन ये काम अल्लाह की रजा के लिए करे और अपने आप को अलग करे। फिर इसका फायदा है, एतकाफ में नहाना खुशबू लगाना तहारत इख्तियार करना जायज है, एतकाफ में काम की जरूरत की बातचीत कर लेना जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सारी रात नहीं जागते थे किसी भी दिन सिवाय रमजान के आखिरी अशरे के, मुकम्मल रात को जागना और फजर की नमाज पढ़ के फिर जोहर से पहले आप सो सकते हैं। खुशबू का इस्तेमाल एतकाफ में किया जा सकता है, कोई मना नहीं। हमने कई मर्दों को देखा कि वो मर्द औरतों की तरह गुंड निकाले पर्दा कर लेते हैं, इसकी भी कोई शरी हैसियत नहीं। ये सारी हमारी बनाई हुई बातें हैं। एतकाफ के बहुत सारे मकासद हैं कि अलग से अल्लाह से राजो न्याज, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, दुनिया से कटना, दुनिया की मुसीबतों से अलग होकर रब के लिए अपना वक्त खास करना और लैलतुल कदर की तलाश। लैलतुल कदर बुनियादी तौर पर शबे कदर ये रमजान की आखिरी ताक रातों में पाई जाती है, 21, 23, 25, 27 और 29। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल कदर की रात की निशानी यह है कि यह रात बड़ी मुतदिल रात होती है, यानी यह रात ना गर्म होगी ना ठंडी। एक तो पहली निशानी इसकी है, यह मुतदिल बैलेंस वेदर होगा, बिल्कुल ना ठंडा ना गर्म। और इस रात की निशानी यह है कि जिस रात लैलतुल कदर होगी उससे अगले दिन जो सूरज निकलेगा उसकी बहुत देर तक रोशनी नहीं होती। जिस तरह सूरज की शुआएं होती है ना फौरी तौर पर, वो बहुत देर तक शुआएं नहीं होती बल्कि पीतल के थाल की तरह नजर आता है आपको 9-10 बजे तक। समझ लो अगर ऐसा मामला हो और उसकी शुआएं ना हो तो समझ लें पिछली रात लैलतुल कदर की रात थी। ये दो निशानियां सही हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की बयान की हैं, इसके अलावा कोई निशानी मौजूद नहीं है। इसी तरह वो लोग जिन लोगों ने फर्ज ज़कात अभी तक अदा नहीं की और रमजान में वो करते हैं वो फौरी तौर पर अपना यह फर्ज अदा करें। इसी तरह अभी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी या हो जाएगी एक दो दिन तक, अपनी फसलों का उशर अदा करना यह जकात है फसल की। और अल्लाह ने फरमाया वा आतु हक्कहु यौम हसादिही, जिस दिन तू अपनी फसल को काटेगा उस दिन तूने अल्लाह का हक निकालना। और इसका निसाब क्या है, जिस तरह निसाब है ना 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी जकात का निसाब है, और 52.5 तोले चांदी आजकल 1,30,000 के राउंड अबाउट बनती है, अगर किसी के पास इतना पैसा मौजूद है वो जकात देगा। इसी तरह इसका उशर का निसाब अल्लाह ने रखा है 16 मन, अगर 16 मन या 16 मन से कम तेरा अनाज तेरे चावल हुए कोई उशर नहीं, और अगर 16 मन या इससे जायद है और तेरी जमीन बारानी है जो सिर्फ बारिश से सैराब होती है तो 10वां हिस्सा 10% उशर अदा करना पड़ेगा, और अगर नहरी जमीन है जैसे हमारे इलाके की है तो आपको 20वां हिस्सा यानी 5% अल्लाह का हक निकालना पड़ेगा। इसके मसारिफ भी वही हैं जो जकात के मसारिफ हैं, फुकारा हैं मसाकीन हैं, जिस तरह जकात के मसारिफ हैं इसके भी वही मसारिफ हैं। तो ये सारे फराइज हमें अदा करने चाहिए, फितराना भी आपको आखिरी अशरे में 2-3 दिन पहले ईद से अदा करें ताकि गरीब मुसलमान वो मुसलमानों की ईद में शामिल हो जाए। फितराना अदा करें 1 सा गंदम या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर। अभी इसमें देखें ना सारे लाइफस्टाइल का अल्लाह ने जिक्र कर दिया, जो बिल्कुल गरीब है वो 1 सा 2.5 किलो गंदम, तकरीबन 280-270 अगर आटा ले लें तो 320 का बन जाता है पर हेड हर बंदे का, और अगर वो चावल खाते हैं तो इससे और बढ़ा ले, अगर वो इससे भी आला खाने खाते हैं पनीर और किशमिश और खजूर तो वो जितना चाहे दे सकता है, 1,000 रुपए भी दे सकता है पर हेड हर बंदे की तरफ से। ये ईद से कबल अदा करना लाजिम है और हर मुसलमान गुलाम आजाद छोटा बड़ा उसकी तरफ से यह अदा किया जाएगा। इसी तरह भाई बता रहे थे कि माशाल्लाह जामिया फातिमा तो ज़ारा यहाँ पर चल रहा है और ये बड़ी खुशकिस्मती है इलाके वालों के लिए कि आपके लिए डे स्कॉलर यानी दिन के वक्त ख़वातीन को तर्जमा कुरान तफसीर दौरा जात करने के लिए मौाक़े हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बता रहे थे कि यहाँ फ्री दाखला, फ्री एजुकेशन है बच्चों बच्चियों के लिए, तो वो बच्चियाँ जो दाखिल होना चाहती हैं आप ज़रूर उन्हें दाखिल करवाएं मदरसे में, ताकि वो पढ़ें और कुरान सुन्नत की तालीम हासिल करें। इसी तरह तर्जमा क्लास और तफसीर की क्लास और तहारत की क्लासें वो अक्सर होती रहती हैं, उनमें आपको ज़रूर चाहिए कि ख़वातीन को भेजें थोड़े वक़्त के लिए, एक खातून की तरबियत हो जाना सारे घर की तरबियत होती है और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, औलादों के अंदर दीन ट्रांसफर होता है। वरना हमारे यहां आम तौर पर ख्वातीन के अंदर तो फर्ज नमाज के अंदर बड़ी सुस्ती है। तो ये थोड़ा सा दीन के साथ और दीन का इल्म हासिल करने के साथ हमें रबत रखना चाहिए। तो ये आपके पास इदारा करीब के लोगों के लिए तो इंतहाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फायदा मंद है, तो कि आप इंशाल्लाह अपनी बच्चियों को, ख्वातीन को, यहां जो डे स्कॉलर प्रोग्राम चलते हैं, यहां जो कुल वक्ती चल रहे हैं, उसके अंदर इंशाल्लाह भेजें ताकि वो दीन के उलूम हासिल कर सकें और उनके ऊपर अमल करके अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ बैन कुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनहिम वानसुरहुम अला अदुविका वअदुविहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक वयुकज़्ज़िबूना रुसुलक वयुक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम वज़लज़िल अक़दामहुम वअन्ज़िल बिहिम बअसका अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انجي مسجد الاقصى اللهم انجي مسجد الاقصى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।